नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ओमकारेश्वर में घूमने की। नंबर 10, ममलेश्वर मंदिर, जो ओमकारेश्वर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर को अमरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ओमकारेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, जो 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, जहां आप दोनों के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 9, सिद्धनाथ मंदिर, जो ओमकारेश्वर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो ओमकारेश्वर में मंदाता पर्वत में ही स्थित है। और यहाँ हाथियों का एक नक्काशी है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ से आप नर्मदा जी का सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। और यदि आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। नंबर 8, पाताली हनुमान मंदिर, यह मंदिर मंदाता पर्वत में ही स्थित है। और इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई दिखने को मिलेगी, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और यदि आप ओमकारेश्वर घूमने जा रहे हैं तो यहां जाना ना भूलें। नंबर 7, गौरी सोमनाथ मंदिर, यह मंदिर 3 मंजिला है। और तीनों मंजिलों में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। और इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर भी कहते हैं। और यहां आपको सुंदर कारीगरी भी देखने को मिलेगी, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। और यह मंदिर ओमकारेश्वर का एक प्रमुख मंदिर है, जहां आप दर्शन करने के साथ साथ घूमने का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 6, नर्मदा कावेरी संगम स्थल, जहां आपको चारों तरफ खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहां पर आप नहाने का भी मजा ले सकते हैं। और यह ओमकारेश्वर में स्थित एक सुंदर धार्मिक स्थल है, जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। और यह ओमकारेश्वर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि इस स्थल पर घूमना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में होटल, बस, प्लेन और ट्रेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5, रीढ़ मुक्तेश्वर मंदिर की। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ लोग चने की दाल का प्रसाद चढ़ाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आता है उनको अपने सारे रीढ़ से मुक्ति मिल जाती है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो ओमकारेश्वर में नर्मदा कावेरी के संगम स्थल पर स्थित है। और यहाँ घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर आप नाव के द्वारा और पैदल पहुँच सकते हैं। नंबर 4, केदारेश्वर मंदिर, जहाँ गर्भगृह में भगवान शिव और गर्भगृह के बाहर भगवान नंदी की प्रतिमा विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सुंदर नक्काशी भी देखने को मिलेगी। और यह मंदिर मंदाता पर्वत में नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। और यदि आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करें। नंबर 3, ओमकारेश्वर बांध, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको बांध के बीच में एक सुंदर टापू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक रिसोर्ट भी बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और यह ओमकारेश्वर का एक बेहद ही खास पर्यटन स्थल है, जहाँ आप घूमने का मजा ले सकते हैं। नंबर 2, गोमुख घाट, जहाँ 24 घंटे जल निकलता रहता है। और यहाँ ओमकारेश्वर का एक प्रमुख घाट है, यहाँ पर आप नहाने का और राइडिंग का मजा ले सकते हैं। और यदि आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो यहाँ घूमना ना भूलें। नंबर 1, ओमकारेश्वर मंदिर, जो मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने का मजा भी ले सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि कैलाश धाम और नक्षत्र गार्डन, गजानन महाराज मंदिर, 0 पॉइंट, ब्रह्मपुरी घाट आदि जगह हैं जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं धार्मिक टूरिस्ट प्लेस की जानकारियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।